अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त सा टैन जो फेस पे हो जाता है उस गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, उसे रिमूव करने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बताऊंगी, और जो स्किन को स्मूथ भी करेगी और ग्लो भी करेगी, और जो टैनिंग होगी उसे भी साफ कर देगी और ब्राइट वाइट करेगी स्किन को। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चले चलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, ये है टैनिंग को हटाने के लिए हम लेंगे पहले बेसन को। ठीक है, बेसन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्लीन क्लियर करता है स्किन को और बेहतरीन क्लींजर भी है और रंग भी साफ़ करता है, गोरा करता है। इसके लिए हम लेंगे 1 स्पून ग्राम फ्लोर को, यानी बेसन को। ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे शहद को। शहद धूप से झुलसी हुई स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और स्किन को स्मूथ और ब्राइट करता है और क्लीन करता है। ठीक है, एक बेहतरीन क्लींजर भी है ये। तो हम तकरीबन इसमें 1 स्पून भर के डाल देंगे शहद का। ठीक है, स्किन को स्मूथ करेगा और जो स्किन पे टैनिंग आ जाती है उसे साफ़ करेगा। शहद में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो स्किन को ब्राइट करते हैं, वाइट करते हैं, टैनिंग को भी साफ़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन को। लेमन जो है स्किन पे से टैनिंग को साफ़ करने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, रंग भी साफ़ करता है और क्लीन भी करता है। विटामिन सी से भरपूर होता है ये। इसका भी तकरीबन हम 1 स्पून ले लेंगे। ठीक है, जूस तकरीबन हमने 1 स्पून जूस ले लिया लेमन का। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कर्ड, यानी कि दही का। ठीक है, कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पैक बन जाए। दही भी टैनिंग हटाने में बहुत ज़बरदस्त होती है, स्किन को स्मूथ करती है, ग्लो करती है फेस को। तो हमने दही का भी इसमें ऐड कर देना और इसे अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक अब रेडी हो जाएगा गाइस। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम, ताकि हमारा पैक रेडी हो जाए। देखिए, सारे अज्जा मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि शहद, लेमन और दही बेसन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए, इस तरह से ये ज़बरदस्त सा ये पैक तैयार हो गया हमारा। इसे इस तरह से ले कर फेस पर हम लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से फेस पे आप लगा लें। ठीक है, इसमें चाहें तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी भी ऐड कर सकते हैं 1/2 पिंच के बराबर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पूरे फेस पे लगा लेना है तकरीबन 15 मिनट। ठीक है, फिर मसाज के 15 मिनट बाद अच्छी तरीके से फेस धो के लगाना है। फिर 15 मिनट बाद फेस धो देना है और सादे पानी से, और इस पर ग्लो बहुत आएगा और ये टैनिंग को भी साफ़ कर देगा। ठीक है, धूप से जो टैनिंग हो जाती है इसे साफ़ कर देगा, क्लीन क्लियर कर देगा और रंग भी साफ़ करेगा। इसे आम भी आप लगा सकते हैं रोज़, तो ये बहुत ही अच्छा रंग गोरा करता है, फेयर करता है, ब्राइट करता है। आई होप कि आपको पसंद आएगी ये रेमेडी ज़बरदस्त सी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।